लॉकडाउन के दौरान चूरू जिला मुख्यालय पर यातायात में शहर के सभी मुख्य मार्गों पर व सभी मुख्य चौराहों पर बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी तत्परता से करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिन काम के घूमने वालों से पूछताछ भी की जा रही है। इसी दौरान यातायात प्रभारी के अनुसार 411 दुपहिया व फोर व्हीकल वाहनों का चालान किया गया तथा 80 वाहनों को सीज भी किया गया है। यातायात प्रभारी के बताए अनुसार सुरक्षा के नजरिए को देखते हुए सभी वाहनों की जाँच की जा रही है। अनावश्यक पाए जाने वाले वाहनों का चालान व सीज भी किया जा रहा है। इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए पुलिस का सहयोग दें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। जी सर, लॉकडाउन के दौरान कितने वाहनों का चालान किया गया और कितने वाहन सीज किए गए? लॉकडाउन के दौरान 411 वाहनों का चालान किया गया, 80 सीज किए गए। सर, लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक समस्या को लेकर के या कोई रूट को प्रबंध करके कोई किया गया क्या? लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक के सोल्यूशन के लिए जगह जगह डिवाइडर लगाए गए और वहां पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, ट्रैफिक के अलावा अन्य जो पुलिस लाइन से भी किया गया। थैंक यू सर।